विंटर वेयर तो मैं धोता नहीं हूँ, गाड़ी की छत धोनी पड़ती है, इसे बोलते हैं ट्रू कार लवर। उसमें कमेंट करना जो अपनी कार को बहुत प्यार करता है, चाहे वो बाइक हो, कार हो, किसी भी टाइप की हो, बट वो एक फैन हो। अरे ये इसमें लगा दो हल्का। फाइनली अपने को ब्रह्मास्त्र मिल गया। हम करा रहे गाड़ी की कैनोपी को रिपेयर, क्योंकि नई कैनोपी अपने को मिल नहीं रही, और मिल रही है तो काफ़ी कॉस्टली और क्वालिटी बहुत गंदी है। तो अभी मैं इसको वॉश कर रहा हूँ। वॉश करने के बाद मेरे को वाटरप्रूफ इसका कपड़ा भी मिल गया, और वाटरप्रूफ कपड़ा मिलने के साथ साथ ये देखो, ये कैनोपी है, यहाँ से इधर से ब्रेक डाउन है, इधर तक इधर से कैनोपी फट गया। वाटरप्रूफ कपड़ा और सिलाई का भी जुगाड़ हो गया अपने पास, तो इसको सिलाई करवाएंगे। तो इसको वॉश करता हूँ। ये शैम्पू है, क्लीन करने के बाद मिट्टी हटा करके, और उसके बाद आपको पूरी जॉब दिखाऊंगा। और जिन भी भाई के अपने कैनोपी किसी की फट गई है, ख़राब हो गई है, और दिल्ली में नियर बाय रहता है, और उसको नई की जगह पुरानी रिपेयर करानी है, तो मैं उसको डिटेल्ड बता दूँगा। हाँ, विंटर वेयर तो मैं धोता नहीं हूँ, गाड़ी की छत धोनी पड़ती है, इसे बोलते हैं ट्रू कार लवर। ये सारे की सारी ये देख रही है मिट्टी, ये सफाई करने क्योंकि अभी अगुनी है, इसमें सिलाई, तो हमें बिल्कुल भी डस्ट नहीं चाहिए 1% भी। जो भी कार लवर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जो अपनी कार को बहुत प्यार करता है, चाहे वो बाइक हो, कार हो, किसी भी टाइप की हो, बट वो एक फैन हो। देख लेंगे कहाँ काम आ जाएगा। मैं तो सोच रहा था 18 इंच का ले आता हूँ, फिर मैं 16 ही लेके आया हूँ। मेरे को उस दिन ध्यान ही नहीं रहा, नहीं मैं 7 के 7 लगवा देता इसको, जब नंबर प्लेट लेके गया था। बढ़िया लगा दे यार, मनु और ज़्यादा लगा दे। हाँ अंदर भी जब मनु सीट कवर पे, मैं हमेशा की तरह आता हूँ बाइक का सीट, गाड़ी के सीट का काम करने। नंबर प्लेट गाड़ी की, बाइक की, कुछ भी लेना हो तो आ सकते हो। ये रोड आपका नजफगढ़ रोड है, राइट में आपका ये खेतरपाल हॉस्पिटल है, ये वाला, ये रेड लाइट होगी, और ये मनु सीट कवर ये वाली दुकान है, यहाँ अंदर चल के अपन काम करा रहे हैं। ये पीछे रमेश नगर मेट्रो स्टेशन है, ये वाला पी रहा है पूरा का पूरा। नला दे इसको सोल्यूशन में पूरा का पूरा। हाँ वो ऐसा है ना, रस्टिंग है। एक कपड़ा ले लेना कोई सॉफ्ट। बाबू एक कपड़ा दियो, कोई कपड़ा है कोई? हाँ मिल गया मिल गया। हाँ है तो कोई दे दे, मोटा सा फोम का पीस दे दे अगर है तो। हाँ कोई बात नहीं, हो गया।
भाई देख लो अपने हिसाब से, काम कच्चा ना हो बस। काम कच्चा नहीं हुआ देखिए, जितना ज़्यादा सिलाई मरवाओगे उतनी ज़्यादा छेद होते जाएंगे। हाँ तो पानी जाने का चांस ज़्यादा रहेंगे। मैं तो इस पर एरोलाइट भी लगाऊंगा अभी ऊपर से ग्लू, डबल कर दोगे मेरे को दोबारा आना नहीं पड़ेगा। पहले एक कर देते हैं। नहीं आना पड़ेगा क्योंकि पत्ता लगा है, अरेस्टर लगा है। अच्छा अच्छा लगा नहीं है। ओरों से मेरी जान। बिल्कुल एज पे ले रहे हो। सिलाई पे चलाना ना। ये जो सिलाई है ना इसी पे चलाना, क्योंकि इसके बाद ये मुड़ जाएगी ना। हाँ मार दो क्रॉस, मार दो है? मार दो मजबूत कर दो। मजबूत ज्यादा ज्यादा है क्योंकि इसमें पानी झड़ेगा नहीं, देखिए ये है ना ये। हाँ इसमें पानी नहीं झड़ेगा, ठीक है, रुकेगा नहीं। नहीं आएगा, ठीक है। और जितने टाका लगेगा उतने सुराग होंगे, रहने दो फिर, अभी रहने दो। हाँ डबल कर दो क्योंकि इस किनारे में डबल कर दो बस। बस देख करके आराम से मैंने दबा दिया।
लास्ट है ना। चलो जी, मनु भाई ने ये काम भी कंप्लीट कर दिया। जिस किसी के थार में कोई इशू हो, कोई समस्या हो, सॉफ्ट टॉप फंस गई हो, खराब हो गई हो, फट गई हो सॉफ्ट टॉप गाड़ी की थार की, मनु को याद कर लेना, रात को 8 बजे के बाद ही काम करेगा। ये बड़ा काम है, आपके 20-22 हज़ार रुपये इंसान बचा देगा। मनु भाई शेड टपक रहा है फिर दोबारे, ये इसमें लगा दो हल्का सा, यहाँ लगा दिया, अब इसको दबा दो, ठीक है, लाओ डंडा दे तरपाल, ठीक है जी। चुइयां भगी, चुइयां भगी, चुइयां भगी, तरपाल में से निकल गए, एक चुइयां घर में घुस गई। और ये भी अपनी तरपाल, ठीक है जी। अब गाड़ी में करेंगे इसको फिट, बट आपको वो सीन देखना होगा कि हम इसको कैसे लगाते हैं, कैसे इसको फिट करते हैं, तो वो आपको अगले पार्ट में देखना होगा। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयार रहना, ये छोटा रहेगा। इस व्लॉग में ये है कि गाड़ी की तिरपाल हमने रिपेयर कराई है, कहाँ से कराई है, आप भी करा सकते हो। और गाड़ी को हीट प्रोटेक्शन, हीट शील्ड से रोकने के लिए, बाहर की गर्मी और सर्दी में ठंड से रोकने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने ये लगाया, एक सेफ्टी मेजर भी हो जाएगा हल्का सा ये। और जो आपकी गाड़ी हवा से 90 और 100 की स्पीड पे जो हवा आती है ना, जिससे तिरपाल फड़फड़ाती आवाज़ करती है, वो भी रुक जाएगी इससे।